नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मीनू के आर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में जो कि छत पर बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम वेजिटेबल गार्डन बना रहे हैं छत पर पाट या ग्रो बैग में पौधे लगा रहे हैं तो उस पाट या ग्रो बैग को किस तरह से सेट करें कि हमारा छत खराब भी ना हो और हमारे छत पर लोड ना पड़े और ढेर सारी सब्जियां हम छत पर उगा सकें, ढेर सारे पौधे लगा सकें। तो सेट करना जानेंगे आज हम छत पर ग्रो बैग और पाट को। जब हम छत पर पाट या ग्रो बैग में पौधे या सब्जियां लगाते हैं तो हमारे मन में आशंका रहती है कि कहीं हमारा छत खराब ना हो जाए, हमारे छत पर लोड पड़ने से हमारा छत गिर न जाए। तो इस सारी समस्याओं का हल आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और देखिए सेट कैसे करना है, जब आप पाट या ग्रो बैग में पौधे लगा रहे हैं, बड़े बड़े पाट होते हैं सब्जियां जब हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पिलर है, पिलर दिया गया है तो इसी पर हमने ये बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्स रखे हुए हैं जिससे कि छत पर एकदम लोड नहीं पड़ता और स्टैंड का काम भी करता है जिससे कि पाट के नीचे नमी नहीं रहती। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए होल, ड्रेनेज होल बना हुआ है थर्माकोल बॉक्स में और सारा पानी जो एक्स्ट्रा होता है बारिश का वो निकल जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पिलर है और स्टैंड का काम कर रहा है तो हमने इधर तो पिलर पर रखा हुआ है एक साइड इन बॉक्स को, तो इससे तो लोड पड़ने की चांस ही नहीं है और नमी भी नहीं रहेगा पाट के नीचे जिससे कि हमारा छत ख़राब हो। तो इस तरह से आपके भी छत पर पिलर वगैरह हो तो आप बड़े बड़े पाट को वहीं पर सेट कीजिएगा। और इधर देखिए इधर वैसा पिलर नहीं है तो इधर आप देख रहे हैं इन थर्माकोल बॉक्स को मैं ईट पर सेट की हूँ जिससे कि पाट के नीचे एकदम नमी नहीं रहती और लोड भी नहीं पड़ता। तो जब भी हम बड़े बड़े पाट छत पर रखें तो आप किसी स्टैंड पर ज़रूर से रखिएगा। और इधर देखिए लोहे का छोटा छोटा राड जैसे था तो मैंने उस पर इधर के बॉक्स को रख दिया है जिससे कि पार्ट जो हो एक टच ना करे छत से, और एक भी पार्ट मेरा टच नहीं किया हुआ है छत से, स्टैंड जैसा थोड़ा सा ऊपर है जिससे कि पार्ट के नीचे नमी नहीं रहेगी तो सीलन नहीं होगा आपके छत पर, आपका छत ख़राब नहीं होगा। तो कोई भी पार्ट हो जब आप छत पर रख रहे हैं तो उसे स्टैंड पर ज़रूर रखें, अपने सुविधा अनुसार कुछ भी स्टैंड बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे घर में कबाड़ भी होते हैं जिसका कि हम स्टैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है पीढ़ा जो हम बैठते हैं लकड़ी का, ये टूट गया था तो इस पर देखिए ग्रो बैग रखी हूँ मैं एक, और अभी मैं एक ग्रो बैग और रख सकती हूँ। और यहाँ पर एक पीढ़ा प्लास्टिक का था, ये भी ख़राब हो गया था तो इसको भी मैं स्टैंड के रूप में यहाँ पर प्रयोग की हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी पाट में सब्जियाँ लगी हुई हैं हमारे छत पर, कोई डायरेक्ट छत पर नहीं है, हर पाट के नीचे कुछ न कुछ स्टैंड मैं लगा रखी हूँ जिससे कि छत पर सीलन न हो और छत ख़राब न हो। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे यहाँ छत पर ढेर सारे पौधे बढ़ते जाते हैं, सब्जियाँ लगती जाती हैं तो, और लाइफ टाइम हमें करना है तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। और अगला हम जानेंगे कि कैसे सेट करें। तो ये देखिए मेरा छत है तो मैंने एक जगह कोई भी पार्ट इकट्ठा करके नहीं रखा हुआ है, आप इधर से देख रहे हैं तो मैं चारों तरफ बिखेर करके पार्ट रखी हूँ किनारे किनारे, और जहाँ पार्ट है रखा हुआ उसके नीचे दीवार है तो हर पार्ट दीवार के ऊपर है
जिससे कि लोट पड़ने की कोई आशंका ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से बिखेर करके पाट रखें अपने छत पर, एक इकट्ठा न रखें, क्योंकि सब्जियों के पाट जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और एक जगह रख देंगे तो लोड पड़ेगा छत पर, छत खराब हो सकता है। और इधर देखिए कुछ छोटे छोटे पाट में फूल वाले पौधे लगे हैं, तो इधर भी हमने एकदम किनारे दीवार नीचे है तो उसी छत पर रखे हैं कि जो कि लोड पड़ेगा ही नहीं छत पर। तो यही वीडियो था आज का कि जब हम छत पर ग्रो बैग या पाट सेट करें तो कैसे रखना चाहिए। तो इकट्ठा न रखें, बिखेर करके रखें, चारों तरफ फैला करके रखें छत पर पाट को, और हर पाट के नीचे छोटा बड़ा स्टैंड ज़रूर से लगा दें, जिससे कि बारिश के समय या जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो हमारे छत पर नमी पाट के नीचे न रहे और हमारा छत न खराब हो, ना ही लोड बढ़ेगा। तो कैसा रहा वीडियो, आशा करती हूँ कि यूज़फुल ज़रूर होगा, वैसा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।